महादेव सट्टा ऐप को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल अपने ही जाल में फंस गए हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। इस बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान से साफ हो गया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज की गई थी क्योंकि हमने महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई कराई थी। महादेव ऐप को बंद कराने के लिए केंद्र सरकार को गूगल को पत्र लिखा था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के बयान से यह साफ हो गया कि श्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर इसलिए दर्ज की गई थी कि उन्होंने महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाइयां करवाया था। महादेव सट्टा ऐप को बंद करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को गूगल को पत्र लिखा था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही थी। आज बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐप को बंद करना आवश्यक नहीं है, उसमें जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसका मतलब यह है कि महादेव ऐप का जो हमारा आरोप था, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को संरक्षण है, वह साबित होता है।